तो नमस्कार फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल में आप सबका फिर से एक बार तहे दिल से स्वागत है। तो चलिए आज के वीडियो की करते हैं शुरुआत। तो देखिए, आज का जो वीडियो है ये आपको थंबनेल से पता चल ही गया होगा कि मैं किस टॉपिक के बारे में आज बात करने वाला हूँ। तो आज हम देखेंगे कि मुंह से जो बदबू आती है जिसे हम बैड ब्रीथ कहते हैं या फिर जिसे हम हैलिटोसिस कहते हैं एक मेडिकल टर्मिनोलॉजी के लैंग्वेज में, ठीक है। तो वो क्यों होता है, ये हमें दिक्कत क्यों आती है, उसके कुछ कारण हम आज समझेंगे और उसके ऊपर क्या इलाज किया जा सकता है वो भी आज के वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे। तो देखिए, पहले हम देखेंगे कि मुंह से जो हमारी बदबू आती है वो क्यों आती है, उसके बारे में थोड़ा सा हम डिस्कशन करते हैं। तो देखिए, सबसे कॉमन और मेन रीज़न जो है मुंह से बदबू आने का वो है, आप जब खाना खाते हो और वो खाना आपके मुंह के अंदर दो दांतों के बीच में फंसता है या फिर मुंह में किसी भी जगह पे वो स्टिक हो जाता है या फिर फंस जाता है और उसकी अच्छे से पूरी तरह से साफ़ सफाई नहीं हो पाती है, तो फिर उस खाने के कारण वहाँ पे जो बैक्टीरियाज रहते हैं वो उसका डिग्रेडेशन करके वहाँ से बैड स्मेल प्रोड्यूस किया जाता है और उसके वजह से आपके मुंह से बदबू आती है। ये बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है, बहुत सारे लोग मुझे इसके बारे में पूछते हैं। ये एक उसका रीज़न हो गया कि अगर आपका प्रॉपर ओरल हाइजीन मेंटेन नहीं रहेगा तो फिर आपके मुंह से बदबू आ सकती है। अभी देखिए, बहुत बार ऐसा होता है ना, बहुत सारे लोग ऐसा बोलते हैं कि डॉक्टर हम 2 से 3 बार कभी कभी ब्रश करते हैं, दिन में 2 बार तो रेगुलर करते हैं लेकिन कभी कभी 3 बार भी ब्रश करते हैं लेकिन फिर भी मुंह से बदबू आती है, तो ऐसा क्यों? तो अगर ये सेम कंडीशन आपके साथ भी होती होगी तो इसका एक रीज़न मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आपके दांतों में कैविटी होगा और वो आपको पता नहीं होगा तो आप कितनी भी बार ब्रश करोगे तो वहाँ पर अगर खाना जाके फंसेगा तो उस जगह से मुँह में बदबू प्रोड्यूस होगी और वो फिर बाद में मुंह से आपके बदबू आएगी। तो आपके दांतों में कैविटी है या नहीं इसकी जानकारी लेना भी ज़रूरी है। कभी कभी ऐसा होता है जिसको हम प्रॉक्सिमल केरीज बोलते हैं, दो दांतों के बीच में ऊपर देखा तो अच्छी कंडीशन में दांत दिखते हैं लेकिन उसके नीचे एक्चुअली केरीज स्टार्ट हुई रहती है और फिर कैविटी बन गई रहती है, तो वहाँ पर खाना फंसता है और वो हमें समझ नहीं आता है। तो अगर आप के मुंह में ऐसी कंडीशन है तो आप एक बार आपके नियरेस्ट डेंटिस्ट को जाके आपका डेंटल चेकअप ज़रूर करवाएं। अगर ऐसी कुछ सिचुएशन है, ऐसी कंडीशन है तो आपके डेंटिस्ट आपको वो सॉल्व करने में हेल्प करेंगे या फिर आपको जो नेसेसरी ट्रीटमेंट लगने वाला है वो भी आपको बता देंगे। ये तो हो गया बैड ब्रीथ का एक रीज़न। एक दूसरा रीज़न है, अगर आप डायबिटिक हो, है ना, आपको अगर डायबिटिक बीमारी है, अगर आपको शुगर की बीमारी है, अगर आपके मसूड़े फूले हुए हैं, उसमें सूजन है, उसमें से खून निकलता है, तो भी फिर आपके मुंह से बदबू आ सकती है। इसलिए अगर आप डायबिटिक हो तो फिर थोड़ा सा केयरफुल, आपके जो मसूड़े हैं उससे बिल्कुल नॉर्मल रखने की कोशिश कीजिए। अगर उसमें सूजन है, अगर उसमें से ब्लड आता है, खून निकलता है, तो फिर आपके नियरेस्ट डेंटिस्ट को एक बार दिखाइए, उनकी सलाह ज़रूर लीजिए। कभी कभी ऐसा होता है ना, जिसे हम प्री डायबिटिक कंडीशन बोलते हैं, कि आपको डायबिटीज़ है, आपका शुगर लेवल बढ़ा हुआ है लेकिन आपको समझ में नहीं आता है। तो अगर आपके मसूड़ों में सूजन आता है और आपके मुंह से अगर बदबू आता है तो आप एक बार शुगर ज़रूर चेक कर लीजिए। हो सकता है कि आप प्री डायबिटिक कैटेगरी में चले गए हो और आपको उस बात का पता नहीं लगा हो। एक तीसरी कंडीशन है जिसे हम ड्राई माउथ कहते हैं। अगर आपके मुंह में जो सलाइवा है, जो लार है, उसकी मात्रा कम हो गई है तो फिर आपके माउथ में ड्राइनेस बढ़ेगा और उसके वजह से भी आपके मुंह से बदबू आ सकती है। एक चौथा रीज़न उसका ये भी हो सकता है कि अगर आप पान मसाला, तंबाकू, गुटखा या फिर सिगरेट का सेवन करते हो, स्मोकिंग करते हो, तो भी आपकी मुँह की बदबू आ सकती है। तो बेहतर यही होगा, अगर आपको मुंह की बदबू आने की तकलीफ है और अगर आप इन सब चीज़ों का सेवन करते हो तो उसे तुरंत बंद कीजिए। उसका और एक रीज़न हो सकता है, अगर आपको टेम्परेचर है, आपको बुखार है, आपको अगर कफ कोल्ड भी हो सकता है, तो ऐसी कंडीशन में भी आपकी मुंह की बदबू आ सकती है। लेकिन ये टेम्परेरी स्टेज रहेगा, जैसे ही आप क्योर हो जाओगे तो आपका जो ये प्रॉब्लम है ये बिल्कुल सॉल्व हो जाएगा।
तो अब तक हमने देखा कि मुंह के बदबू आने के क्या क्या रीजंस हो सकते हैं, क्या कारण हो सके। अभी मैं आपको इन शॉर्ट बताऊंगा कि मुंह की जो बदबू आती है इसके हम ट्रीटमेंट या फिर घरेलू इलाज कुछ कर सकते हैं क्या, तो उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। तो देखिए, घरेलू इलाज आप इसका कर सकते हो, बहुत ही आसान है। जो आपके घर में लौंग रहता है, अगर आप लौंग इस्तेमाल करते हो, उसका यूज़ करते हो, उसको मुंह में धीरे धीरे चबाते हो, दिन में 3 से 4 बार अगर ये चीज़ करते हो, तो फिर आपकी जो मुंह की आने वाली बदबू है वो कम हो जाएगी। क्योंकि लौंग में एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टी रहती है, तो जब आप उसको चबाओगे तो उसमें से जो जूस आएगा वो आपके सलाइवा में मिक्स हो जाएगा, और आपके मुंह में जो भी बैक्टीरियो की ग्रोथ हो रही है या फिर जो भी बैक्टीरिया बढ़ रहे उसको वो कम करने में हेल्प करेगा, और फिर आपकी मुँह से जो बदबू आती है वो भी कम करने में हेल्प करेगा। दूसरा है सौंफ, जिसे हम कह सकते हैं कि खाना खाने के बाद थोड़ा सा सौंफ आप खा सकते हो, लेकिन याद रहे कि आप अगर सौंफ खाते हो तो वो आपके दांतों में कहीं पे भी अटकना नहीं चाहिए। सबसे बेहतरीन इसका इलाज है कि आप 2 बार ब्रश कीजिए, अच्छे से ब्रश कीजिए। अगर आपको कहीं कैविटी है तो फिर आप डेंटिस्ट के पास जाके उसका इलाज कर लीजिए। उसमें चाहे तो फीलिंग कर सकते हो या फिर रूट कनाल कर सकते हो, जो भी नेसेसरी ट्रीटमेंट है वो आप पूरा कर लीजिए, ताकि फिर उस वहाँ पे उस जगह पे खाना नहीं फंसेगा और फिर वहाँ पे बैक्टीरिया की ग्रोथ होगी, आपके मुंह की बदबू नहीं आएगी। उसके बाद आप समटाइम्स च्युइंगम का भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन उसमें एक प्रॉब्लम है कि अगर आप कंटिन्यूस च्युइंगम खाओगे तो उसमें आर्टिफिशियल स्वीटनर्स रहते हैं, जो आपकी जो इनेमल लेयर है दांतों की उसको वो डैमेज कर सकते हैं। तो अगर आप च्युइंगम खाते हो तो बहुत ही कंट्रोल्ड मैनर में आप वो खा सकते हो। उसके बाद आप अपने मसूड़ों का एक्स्ट्रा केयर ले सकते हो, थोड़ा सा गुनगुने पानी में थोड़ा सा नमक डाल के उससे कुल्ला कर सकते हो। इसलिए आपके मसूड़े अगर सूजे हुए हैं, फूले हुए हैं, तो उसमें से खून नहीं निकलेगा और फिर मुंह से बदबू नहीं आएगी। अगर आपको मसूड़ों की प्रॉब्लम है तो इससे पहले मैंने वो वीडियो बनाई है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो मसूड़ों की जो भी प्रॉब्लम रहेगी वो आप वीडियो देख लीजिए, तो उसको सॉल्व करने में आपको वो वीडियोस हेल्प करेंगे। उसके बाद आपके डाइट में हरी भरी सब्जियों का समावेश कीजिए, उनको इंक्लूड कीजिए, बहुत सारे फ्रूट्स खाइए, और सबसे ज़्यादा पानी पीना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जितना आप ज़्यादा पानी पियोगे उतना आपका ड्राइनेस ऑफ माउथ जो रहता है वो कम हो जाएगा, और फिर मुंह से बदबू आने की प्रॉब्लम बिल्कुल सॉल्व हो जाएगी। सो आई होप आपको एक मेरा छोटा सा वीडियो पसंद आएगा। अगर वीडियो पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, वीडियो को लाइक करके शेयर करना ना भूलिए। मिलते हैं ऐसे एक नया इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक टेक केयर, जय हिंद एंड बाय बाय।